नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मोमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एज पर इंडियन फार्माकोपिया फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। फ्रेंड्स, ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। फ्रेंड्स, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है वो होता है मेजर द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स आर ग्रैनुल्स। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है वो किसी भी टैबलेट्स या कैप्सूल्स के ब्रेकडाउन होने की एबिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, टू अलाउ द एक्टिव ड्रग टू बी अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, ताकि जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके किसी भी टैबलेट्स या कैप्सूल्स के। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स एज पर इंडियन फार्माकोपिया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो दो स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेप जो होता है 0.1 नॉर्मल एसीएल सॉल्यूशन में जो है टैबलेट्स का, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, पुट वन टैबलेट इनटू ईच ट्यूब। जैसा कि बास्केट ट्रैक असेंबली में 6 ट्यूब्स होती हैं, सो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 6 टैबलेट्स लेते हैं और ईच ट्यूब में 1 टैबलेट्स जो है पुट करते हैं। देन सस्पेंड द असेंबली इन द बीकर कंटेनिंग 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं, एंड ऑपरेट विदाउट द डिस्क फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है 0.1 नॉर्मल एसीएल सॉल्यूशन में। उसके बाद फ्रेंड्स, रिमूव द असेंबली फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड से असेंबली को, बास्केट ट्रैक असेंबली को रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि नो टैबलेट शोज साइंस ऑफ क्रैक दैट वुड अलाउ द एस्केप ऑफ द कंटेंट्स आर डिसइंटीग्रेशन अपार्ट फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ कोटिंग। उस टैबलेट्स में किसी प्रकार के साइंस नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार के निशान नहीं होने चाहिए क्रैक्स के, ताकि जो है वो टैबलेट सेफ रह सके डिसइंटीग्रेशन से, एंड अपार्ट फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ कोटिंग। कोटिंग के फ्रेगमेंट्स के अलावा जो है और किसी प्रकार का डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। टोटली जो कंटेंट है, टोटल जो टैबलेट्स है उस पर किसी प्रकार का क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ताकि उसके अंदर जो कंटेंट है, जो एपीआई है, वो सेफ हो रह सके। ताकि जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं उनका जो है डिसइंटीग्रेशन स्टमक में जो एस्टिक मीडियम होता है, जो एससीएल सॉल्यूशन होता है उसमें, उससे सेफ रखने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो भी जो हमारा एपीआई होता है वो इंटेस्टाइन में जाकर डिसइंटीग्रेट हो। सो फ्रेंड्स, जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं 0.1 नॉर्मल एससीएल सॉल्यूशन में, तो 2 घंटे के लिए परफॉर्म करते हैं और 2 घंटे इन बिटवीन 2 आवर्स में जो है वो टैबलेट्स पे किसी प्रकार का क्रैक्स नहीं होना चाहिए और ना ही डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए उस टैबलेट्स का, और ना ही किसी प्रकार के उसके ऊपर क्रैक्स के निशान होने चाहिए, ताकि जो है उसमें जो कंटेंट्स है, जो एपीआई है, वो सेफ रह सके, ताकि जो है इंटेस्टाइन में ही जाके वो डिसइंटीग्रेट हो सके। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं सेकेंड स्टेप जो होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का। जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें जो मेथड अपनाया जाता है वो मिक्स्ड फास्फेट बफर का होता है, जिसमें पीएच जिसका 6.88 का प्रिपेयर किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, रिप्लेस द लिक्विड इन द बीकर विद मिक्स्ड फास्फेट बफर पीएच 6.8, एड अ डिस्क टू ईच ट्यूब एंड ऑपरेट द ऑपरेटर्स फॉर अ फर्दर 6 मिनट। ये टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है, जो बास्केट ट्रैक असेंबली होती है उसमें 6 टैबलेट को पुट करते हैं, जिसका जो सॉल्यूशन होता है मिक्स्ड फास्फेट बफर का होता है, जिसका पीएच 6.8 होना चाहिए, और जो है जो इस ईच ट्यूब होती है उसमें जो है डिस्क भी हम डालते हैं, और ये टेस्ट 60 मिनट के लिए परफॉर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, जो एससीएल वाला टेस्ट हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया था उसमें डिस्क यूज नहीं की जाती हैं, और जो हम ये सेकंड स्टेप एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स के लिए यूज करते हैं इसमें जो है डिस्क यूज की जाती हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं एससीएल में वो 2 आवर के लिए परफॉर्म करते हैं, और जो सेकंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो 60 मिनट मतलब 1 आवर के लिए परफॉर्म करते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट होता है एससीएल वाला, उसमें जो है 2 आवर्स में टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए, कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि जो है कंटेंट उसका सेफ रह सके। और जो सेकंड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, सेकंड स्टेप बास्केट
फास्फेट बफर 6.8 जिसका पीएच होना चाहिए उसमें डिस्क के साथ परफॉर्म करते हैं और विद इन 60 मिनट जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद 60 मिनट के लिए परफॉर्म करने के बाद रिमूव द असेंबली फ्रॉम द लिक्विड से असेंबली को रिमूव करते हैं। इफ द टैबलेट फेल टू कंप्लाई बिकॉज ऑफ द एडहेरेंस टू द डिस्क रिपीट द टेस्ट ऑन ए फर्दर 6 टैबलेट विदाउट द डिस्क। यदि टैबलेट्स जो है जो डिस्क के साथ अगर एडहेयर हो रहे हैं तो हम विदाउट डिस्क भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यदि डिस्क के साथ चिपक के जो है टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में जो है फेल हो रहा हो तो विदाउट डिस्क भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। देन द टैबलेट पास द टेस्ट इफ ऑल 6 हैव डिसइंटीग्रेटेड। यदि इस टेस्ट में जो है जो 6 टैबलेट्स हम यूज करते हैं इस ट्यूब में वो टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं विद इन 60 मिनट देन ये टेस्ट जो है वो पास काउंट किया जाता है, पास कहलाता है। सो फ्रेंड्स ये था इंटरिकोटेड टैबलेट्स का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है वो 0.1 नॉर्मल एचसीएल में परफॉर्म किया जाता है, सेकंड जो स्टेप होता है वो 6.8 फास्फेट बफर के पीएच पे जो परफॉर्म किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो है 0.1 नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन में परफॉर्म किया जाता है 2 आवर के लिए। 2 आवर में डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, ना कोई क्रैक्स पड़ना चाहिए ताकि कंटेंट सेफ रह सके। और जो सेकंड स्टेप होता है फास्फेट बफर पीएच 6.8 में वो 1 आवर के लिए परफॉर्म किया जाता है। 1 आवर में जो है टैबलेट टोटली डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। पहला जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं एचसीएल सॉल्यूशन में उसमें जो है वो विदाउट डिस्क परफॉर्म किया जाता है और जो सेकंड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फास्फेट बफर में वो जो है डिस्क के साथ परफॉर्म किया जाता है। यदि डिस्क के साथ अगर टैबलेट स्टिक कर जाती है, एडहियर कर जाती है, जिसकी वजह से टैबलेट्स के डिसइंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, फेल्स होता है, तो जो है विदाउट डिस्क भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। और इस ड्यूरेशन में जो है विद इन 60 मिनट 1 आवर में जो टैबलेट्स जो है टोटली डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए 6 की 6 टैबलेट्स। सो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर एंटेरिकोटेड टैबलेट्स एज पर इंडियन फार्माकोपिया। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।